खुशखबरी दोस्तों, बहुत जल्द KTM RC 390 को टक्कर देने बजाज ला रहा है एक स्पोर्ट टूरिंग बाइक भारतीय बाजार में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पल्सर RS 400। ये 400 सीसी की बाइक होने वाली है। वैसे तो भारतीय बाजार में RS 200 BS6 है और डोमिनर 400 भी है, फिर भी कंपनी बहुत जल्द BS6 बजाज पल्सर RS 400 भारतीय में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आज हम इस वीडियो में पल्सर RS 400 की डिटेल देने वाले है। वीडियो को तक जरूर देखना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पल्सर RS 400 का डिजाइन और लुक लगभग पल्सर RS 200 जैसा ही होगा। कंपनी RS 400 में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED DRS, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर देगी। इसके अलावा 2021 पल्सर RS 400 में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, क्लिप ऑन हैंडल बार भी देखने को मिलेगा। फुल्ली फेयर्ड बाइक है। यहाँ पे मैं अगर इंजन की बात करूँ तो 2021 पल्सर RS 400 में 373.2 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 डोमिनर 400 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर आउटपुट निकालता 42 PS की पावर आउटपुट एट द रेट 9000 RPM एंड 34.5 न्यूटन का टॉर्क एट द रेट 7000 RPM। यहां पे आपको इस गाड़ी में कंपनी की तरफ से 6 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वही हम इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की बात करें तो 2021 पल्सर RS 400 में आपको देखने को मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। इस गाड़ी का टॉप स्पीड की बात करें तो 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने वाले ही इस गाड़ी में। वही इस गाड़ी का माइलेज की बात करें तो यहाँ पे 22 से 25 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। वही अगर मैं बात करूँ पल्सर RS 400 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा और इसकी जो कीमत होगी भारतीय बाजार में वो होगी अंदाजन 2 से 2.4 लाख के बीच। इस गाड़ी की लॉन्चिंग की कोई डेट आई नहीं है, लेकिन हाँ इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक ये गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।